स्क्रीन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग को कोई समस्या हो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजय सर, गुड इवनिंग अजय सर। कल आप क्लास में आए थे, पूरे समय तक बने थे मेरा ख्याल है ना? जी सर। जी सर, चलिए मित्रों, तो स्क्रीन भली भांति आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, सब कुछ क्लियर है, साउंड वगैरह बढ़िया है सब कुछ? जी सर। चलिए, चलिए तो कल अजय सर आप माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वीडियो शूट होता है तो आवाज़ जो होती है वो फिर बाद में आती है। तो देखिए मित्रों, अजय सर मैंने कहा, अजय द्विवेदी सर माइक आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर, हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब आपका मतलब माइक म्यूट जैसा ही है, ऑन कर भी लेंगे तो कोई समस्या शायद नहीं आ रही है, है ना? अभी सर सराहट आ रही थी, अब ठीक है। मतलब कुछ विद्यार्थियों के माइक एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उनका साउंड बिल्कुल आजू बाजू कभी नहीं आता है पंखे वगैरह का, तो उनमें कोई आपत्ति नहीं है, उससे तो बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है, परंतु कहीं पर यदि नॉइस आता है तो मैं बोल देता हूँ। चलिए मित्रों, तो क्लास से स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को लेकर के आज आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कल, अरे भैया हाँ, कल का जो क्वेश्चन हमने लिया था वो क्या था, देखिए कल हमने आपको जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था जो कि पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, ओके, टेन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब 3x, साइन स्क्वायर 3x है ये, टेन क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, साइन स्क्वायर 3x, उसको थोड़ा चलिए, टेन क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर 3x, और ब्रैकेट में है इनसाइड द ब्रैकेट 2 sec स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर 3x प्लस 3 tan x इंटू साइन 6x। देखिए मित्रों, ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्न के पीछे पहली चीज़ मत पढ़िए, क्योंकि 125 में से 125 कोई ला नहीं सकता है, 125 में से 125 क्वेश्चन अगर आप पूरे करके आते हैं इसका मतलब आपने तुक्के लगाए हैं, और असंभव सा बात है कि आप पूरे में से पूरे अंक ले आएँ। तो सीधी बात कही जाए कि यदि इस ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको देखिए कि क्या आपका किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो इनके पीछे पढ़िए, और अगर नहीं किया हुआ है तो यूपी टीजीटी जैसे एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इसके पीछे मत करिए, नहीं तो ये आपको रेस से ही बाहर कर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं इसलिए इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन कितना समय ले लेगा। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको आपको पूरे को अंदर को मल्टीप्लाई करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट है पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, ओके। देखिए टेन क्यूब है, साइन की पावर 3 है तो साइन का पावर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टेन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और साइन की पावर 4 का होल 3x, ये हो गया पहला, प्लस अब यहाँ देखिए 3 है, 3 ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 10 की पावर 4x, ओके, और कितना है भैया, इसको यदि हम खोल दें साइन 6x को, तो साइन 6x डबल एंगल फार्मूले से 2 साइन x इंटू कॉस x खुलेगा, और साइन की पावर स्क्वायर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन का पावर 2 पावर 1 पावर हो गया 3x इंटू कॉस का पावर 3x, ठीक है ना? ये और यहाँ पे लगा दीजिए dx, ये हो गया है। चलिए अब देखिए जरा सा, अब यहाँ पे काम करेगा आपका ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे आपका जो है ऑब्जर्वेशन काम करेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे लिखा 3 टेन क्यूब एक्स, मतलब 2 इंटू टेन क्यूब एक्स, और यदि हम देखें
और टेन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये 10 की पावर 4x यहाँ पर दिया गया है ना। तो 10 की पावर 4x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 4 टेन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है 10 की पावर 4x का डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 3। अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, एकदम से थोड़ा सा क्वेश्चन पलटी मार रहा है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए ये जो बैठा हुआ है अपने पास 10 का क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, 4 टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने 2 का डिवाइड किया है, ओके 2 का डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ऊपर क्या 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 4, देखिएगा 4 टेन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 4 और कितना 3x। अभी ये समझ में आएगा, एक स्टेप के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी यहाँ पे है ना, एक स्टेप के बाद मैं समझ में आ दूँगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। प्लस देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको जो है आपके पास में क्या करिए, 10 की पावर 4x है, ठीक है, यहाँ पे 3 भी बचा हुआ है, 3 को कहाँ ले जाएंगे भाई, 3 को कहाँ ले जाएंगे बताइए, 3 भी बचा है, 3 10 की पावर 4x इंटू कॉस 3x, 2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 3x। तो यदि मैं 1/2 कर देता हूँ, तो 1/2 यदि मैंने कर दिया, तो 2 का यदि मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4 हो गया ये, टू टू जा 4, और यहाँ पे 4 आ गया, और ये देखिए यहाँ पे ये साइन क्यूब 3x था भैया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हाँ 2 sin 3x इंटू कॉस 3x, तो ये 3x था, यस ये मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए 4 आ गया है, और यहाँ पे साइन क्यूब 3x इंटू कॉस 3x और 10 की पावर 4x, तो यहाँ पे 3 मेरे को बाहर लेना पड़ेगा, इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर कितना 4x। देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, बस मैंने अरेंज कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों अरेंज किया है, अब ये क्लियर होना आपको शुरू हो जाएगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये देखिए पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, ध्यान से देखिए 1/2 ये जो लिखा है, ये लिखा है d/dx ऑफ 10 की पावर 4x, हाँ ये लिखा है d/dx ऑफ 10 की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4 इंटू कितना 3x, ये लिखा पहली चीज। अब दूसरी चीज प्लस, अब यदि यहाँ पर देखिए आप इस 3 को अंदर कर दीजिए, यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पर, सॉरी हाँ, अब ये देखिए 10 1/2 कौन सा वाला, ये वाला 1/2 10 की पावर 4x बाहर ले लीजिए। आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या है 4 sin³ 3x, मतलब ये साइन 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है d/dx ऑफ साइन की पावर 4 3x का डिफरेंशिएशन। देखिए कितना आएगा 4 sin³ 3x, और साइन क्यूब का कॉस 3x आएगा, फिर 3x का 3 बन जाएगा, हाँ। तो अब देखिए 1/2 पूरी पिक्चर से आप बाहर ले लीजिए, तो अगली स्लाइड पे हमें जाना पड़ेगा। 1/2 हमने पूरी पिक्चर से बाहर ले लिया, और 1/2 पिक्चर से बाहर लेने के बाद क्या बचा, पाई बाई 6 और पाई बाई 3। अब जरा देखिए, जरा बहुत बढ़िया चीज़ है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे
प्रथम फलन का अवकलन, तो ये क्या लिखा है, ये अवकलन का गुणन स्वरूप दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली लिखा है डी बाई डी एक्स प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन मैंने क्या मान लिया, साइन की पावर फोर थ्री एक्स, साइन की पावर फोर थ्री एक्स और टेन की पावर फोर एक्स, दूसरा जो फलन है वो टेन की पावर फोर एक्स बैठा हुआ है, ये लीजिए 10 की पावर 4x बैठा हुआ है। तो अब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और केवल कुल मिला के आपके पास आएगा क्या 1 बाई टू और लिमिट लग जाएगी 10 की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4 3x और लिमिट कितनी भैया पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। अब ये सवाल सरल हो चुका है, अब जिनको समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल इसको देख के डेस्परेट ना हो, बिल्कुल ज़्यादा डिमोटिवेटेड ना हो इसको देख करके, ऐसा कुछ नहीं है कि यही सवाल आ जाएगा। चलिए अपर लिमिट पुट करिए तो 10 की पावर पाई बाई 3 और फिर साइन पाई बाई 6 तो 3 इंटू कितना, पहली लिमिट रखोगे पाई बाई 3 तो 3 इंटू पाई बाई 3 से 3 कैंसिल, कितना आया पाई और साइन पाई कितना हो जाएगा 0, तो फर्स्ट में सब कुछ स्वाहा 0 हो गया, माइनस 10 की पावर 4 पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, मतलब 1 अपॉन रूट 3 का होल पावर 4 और पाई बाई 6 रखोगे तो 3 दोना 6, मतलब ये कितना हो गया साइन 90, साइन 90 का पावर 4 यानी 1 का पावर 4 बोले तो 1 ही होगा, ओके। तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2 और 0 माइनस 1 बटे कितना आएगा भैया ये रूट 3 की पावर 4, तो रूट 3 की पावर 2 होता तो 3 आता है ना, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 9, रूट 3 का पावर 4 मतलब 9, आंसर आएगा -1/18 आंसर। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में डिसकॉन्फिडेंट हुए होंगे, मगर एक बार आप सोल्यूशन देख लीजिए, अब एक बार आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए फिर मुझे बताइए कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप समझना चाहें तो, और ना समझना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर है, ठीक है। हाँ बताइए मित्रों, आगे चलें क्या, चलें आगे, हेलो जी सर, चलिए 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 आज का टॉपिक लिखिए, आज का टॉपिक लिखिए, लिखिए आज का टॉपिक है अक्ष का स्थानांतरण तथा घूर्णन, अक्ष का स्थानांतरण तथा घूर्णन। मित्रों आज हम पढ़ने वाले हैं अक्ष का स्थानांतरण तथा घूर्णन, ठीक है। चलिए अक्ष का स्थानांतरण तथा घूर्णन, देखिए क्या होता है कि हम कई बार जो होता है, जैसे हमारा अक्ष का स्थानांतरण मतलब मूल बिंदु का स्थानांतरण, ये देखिए जैसे हमारा यहाँ पे मूल बिंदु कहाँ पे है, 0.0 पे है, अगर इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं इधर पे, तो मूल बिंदु की नई स्थिति क्या है, h, k, तो आपके जो नए निर्देशांक होंगे, नोट कर लीजिए नए निर्देशांक, अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं शिफ्टिंग, ये प्रोसेस कहलाता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हाँ सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का शिफ्टिंग करना, तो नया निर्देशांक लिखिए कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई प्लस के, हाँ एच और क्या है मूल बिंदु के नया निर्देशांक ये है। तो एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष टीजीटी में शिफ्टिंग का और रोटेशन का पूछा जाता है, इसलिए इसे नोट कर लें, स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस के, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस के,
ठीक है ना, ये क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। टॉपिक डाल लीजिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस एच होता है और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस के, जहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नए निर्देशांक होते हैं और स्मॉल एक्स तथा स्मॉल वाई जो होते हैं वो पुराने निर्देशांक हुआ करते हैं। तो ये तो हो गई, इसके बाद शिफ्टिंग हो गई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखिए अक्षों का घूर्णन। इसके बाद लिखिए अक्षों का घूर्णन, अगला टॉपिक अक्षों का घूर्णन। हाँ, अक्षों का घूर्णन, अक्षों का घूर्णन। इसमें एक टॉपिक क्लियर करेंगे थोड़ा सा। क्या सर बताइए? कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस जो एच लिखे हैं, थोड़ा सा इसको फिर से क्लियर कर दीजिए। प्लस कैसे होता, माइनस होता था मुझे याद है। देखिए सर, वो जो आप याद करे हो ना, एक्चुअली कैपिटल एक्स मतलब नया निर्देशांक बराबर पुराना प्लस एच है, हाँ है ना। आप जो याद की होगी स्मॉल एक्स बराबर एक्स माइनस एच याद की होगी, ठीक है। हेलो, और स्मॉल वाई बराबर, स्मॉल वाई बराबर वाई माइनस के। जी 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 हाँ। तो सर ये जो निर्देशांक है आपने में भी इस तरीके से याद किया होगा, हमारा रूल केवल यही वाला है सर, कैपिटल एक्स बराबर एक्स प्लस एच, और है ना, इससे अपना आंसर जो है फटाफट आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक ठीक, चलिए अब लिखते हैं भैया अक्षों का घूर्णन। हेडिंग डालिए अक्षों का घूर्णन, मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो यदि आप अपने मूल अक्ष को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को किसी कोण थीटा से घुमा देते हैं, जो आपके मूल अक्ष हैं, समझ गए, मूल अक्ष में जो आपके एक्स और वाई अक्ष हैं उनको यदि आप किसी कोण थीटा से घुमा देते हैं तो आपके जो नए निर्देशांक हैं वो बदल जाएंगे। पहले आपके मूल निर्देशांक पिछले क्या होते थे, पी स्मॉल एक्स कॉमा वाई, मगर अब जो नया निर्देशांक है घुमाने के बाद बन जाएगा पी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, इसके लिए बढ़िया ट्रिक है, यहाँ पर बनाइए पुराना निर्देशांक एक्स और यहाँ बनाइए पुराना निर्देशांक वाई और यहाँ बनाइए नया निर्देशांक कैपिटल एक्स और नया निर्देशांक कैपिटल वाई। और आप क्या रखेंगे, ये मैट्रिक्स याद रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। ये एक छोटा सा मैट्रिक्स इस टाइप का, याद कर लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या रहेगा भैया, तो कैसा बनेगा देखिए, पुराना निर्देशांक एक्स बराबर एक्स इक्वल टू, पुराना निर्देशांक एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इधर से चलिए, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और पुराना निर्देशांक वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। बस ये याद रखिए, इससे आपका काम बन जाएगा, नोट कर लीजिए, ये कहलाता है अक्षों का घूर्णन। इसको नोट कर लीजिए, अक्षों का घूर्णन, यदि पुराने निर्देशांक स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हो, नए निर्देशांक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो, ओके, तो मैट्रिक्स याद रखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और पुराना निर्देशांक एक्स बराबर एक्स कॉस थीटा माइनस नया वाला वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई बराबर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये होता है इसका निर्देशांक नए वाले। अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है उस क्वेश्चन को आइए हम लोग करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये लिखिए प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि एक समीकरण है
आपके पास वक्र दिया गया है, क्या दिया गया है वक्र, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू जीरो, कह रहा है इसको 45 अंश के कोण पर यदि घुमा दिया जाए, यदि अक्षों को 45 अंश के कोण पर घुमा दिया जाए, ओके, अक्षों को 45 अंश के कोण से घुमाने पर नया वक्र का नया समीकरण क्या होगा, आपको बताना है कि भैया नया समीकरण क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमें ये पुराना समीकरण दिया गया है, ओके, तो क्या ट्रिक है भैया, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ रहता है पुराना एक्स और यहाँ रहता है पुराना वाई, ओके, यहाँ रहता है नया एक्स और यहाँ रहता है नया वाला वाई, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, तो स्मॉल एक्स बराबर कितना हो गया, स्मॉल एक्स बराबर यहाँ से देखिए कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, तो थीटा यहाँ 45 डिग्री है तो 45 पुट करोगे तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स कॉस 45 यानी एक्स बाई रूट टू माइनस वाई बाई रूट टू, और अगली वाई की वैल्यू क्या है भैया, वाई की वैल्यू है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, मतलब स्मॉल वाई बराबर एक्स अपॉन रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू, ये आ गए नए निर्देशांक हमारे पास। अब नए निर्देशांकों को पुट करके हमें नया समीकरण निकालना है, तो हमारे पास पुराना समीकरण कितना था, हमारे पास पुराना समीकरण है एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, पुराना समीकरण है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, और प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू जीरो, प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या है एक्स का वैल्यू आएगा कैपिटल एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट टू और पूरे का लगा है होल स्क्वायर, ठीक है ना, और पहले मैं इसको रख देता हूँ प्लस टू, यहाँ क्या आएगा वाई का वैल्यू एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई रूट टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स माइनस वाई, ओहो स्मॉल नहीं रखना भैया कैपिटल रखना है, यहाँ सब कैपिटल करिए, ये भी गड़बड़ हो गया, कैपिटल कैपिटल एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई है तो एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वाई बाई रूट टू, और यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई बाई रूट टू और माइनस 30 इक्वल टू जीरो, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए तो टू है यहाँ से रूट टू का स्क्वायर टू कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, प्लस यहाँ क्या आएगा टू का टू से कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, माइनस यहाँ कितना आएगा टू आएगा और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 30 के उस तरफ ले जाओ तो प्लस 30, देखो जी ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर और माइनस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब टू वाई स्क्वायर, मतलब यदि लिख दूँ मैं यहाँ तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस खुलेगा तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू 30। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए जब टू एक्स स्क्वायर के साथ टू यहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा दूसरा टू वाई स्क्वायर है टू टू जब फोर हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा तो प्लस फाइव वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो दो चार एक पाँच, प्लस फाइव वाई स्क्वायर बटे टू बराबर कितना बचा 30, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर बराबर 32 जा 60,
ये है नया वाला वक्र, आंसर नोट करिए, ये है हमारा नया वक्र। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन इसी का आया एक किसी साल में, वो वाला भी यहीं पर लगे हाथों कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है यदि अक्ष को, यदि अक्ष को 60 डिग्री कोण से घुमाया जाए, यदि अक्ष को 60 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का नया समीकरण क्या होगा। चलिए भैया, तो नया समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मूल इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25। वही याद करिए, है ना, नए क्या होते हैं x और क्या होता है y, पुराने क्या होते हैं x स्मॉल और ये y, cos थीटा माइनस cos थीटा नहीं सॉरी माइनस sin थीटा और क्या sin थीटा। चलिए, तो स्मॉल x निकलता है, स्मॉल y निकलता है, स्मॉल x बराबर कैपिटल x cos थीटा माइनस कैपिटल y sin थीटा, और स्मॉल y बराबर कैपिटल x sin थीटा प्लस y cos थीटा। चलिए पुट कर दीजिए, cos थीटा कितना 60 डिग्री, तो cos 60 बराबर हो गया x बाई टू माइनस वाई रूट थ्री बाई टू, ये हो गया कैपिटल में, और x sin 60 मतलब x रूट थ्री बाई टू और प्लस y बाई टू। आइए इसको पुट कर देते हैं, कुल मिला के क्या हो गया, ये हो गया x माइनस अंडर वाई रूट थ्री बाई टू और ये हो गया x रूट थ्री प्लस वाई बाई टू। मुख्य समीकरण में पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा इसका नाम ले लो एक, तो लिखूँगा मैं यहाँ एक से, क्या बनेगा भैया x स्क्वायर मतलब x माइनस वाई रूट थ्री का टू का होल स्क्वायर प्लस x रूट थ्री प्लस वाई का बाई टू का होल स्क्वायर बराबर 25। आइए मित्रों इसको हल करते हैं, x का स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स वाई बटे चार प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स वाई बटे चार बराबर 25। दोनों का एलसीएम जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तीन बार एक्स स्क्वायर एक बार एक्स स्क्वायर हो गया चार एक्स स्क्वायर और प्लस चार वाई स्क्वायर बटे चार बराबर 25, चार चार कॉमन लेके कैंसिल, उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। नोट कर लें, ये है अपना इसका उत्तर, नया कर्व नया वक्र क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नोट कर लिया, हो गया पिछला प्रश्न, पिछला पेज दिखाएं कि हो गया, ये कंप्लीट हो गया जी, हो गया सर। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल करते हैं, कोई मैसेज आया, एक सेकंड, हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है मैं बहुत बढ़िया आपको बता रहा हूँ, मतलब इससे एक प्रश्न तो लिख के ले लीजिए, एक प्रश्न से, एक प्रश्न इससे जरूर बनेगा, जो मैं अगला आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इससे एक प्रश्न ना बने। अब वो क्या है भैया, वो प्रश्न क्या है,
वो समीकरण क्या है देखिए। मान खा लो बेटा। मान लीजिए सर, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सर, सर माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, तो देखिए अगला जो मैं प्रश्न आपको बताने वाला था, अभी तो मैंने आपको बताया किसका, ये अक्ष वाला है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई रेखा है ना, तो आर्टिकल डाल लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, स्पर्श होने की शर्त, होने की शर्त, कौन स्पर्श करेगी, रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, किसको स्पर्श करेगी, पहला नंबर वृत्त को स्पर्श करेगी, और वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त को समीकरण को स्पर्श करती है तो देखिए इसकी कंडीशन होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होती है किसी वृत्त को स्पर्श करने की शर्त। तो क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होती है शर्त, ठीक है, वृत्त को स्पर्श करने की। और अगर सी स्क्वायर लेस देन हो गया तो मतलब वो जो रेखा होगी वो छेदक रेखा होगी, और अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया इसका मतलब जो रेखा होगी वो बाहर से जाएगी। समझिए इसको, तीन स्थिति बना रहे हैं अपन। पहला, अगर रेखा अंदर से जा रही है तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर। अगर टच करके जा रही है तो यही वाली कंडीशन होगी जो ऊपर लिखी है, और अगर बाहर से जा रही है इसका मतलब सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर। नोट करिए, ये है वृत्त की परिस्थितियाँ, ये है वृत्त की परिस्थितियाँ, ठीक। चलिए अब इसी में आ जाइए भैया, दूसरा परवलय, दूसरा क्या होता है, हाँ परवलय नहीं, एलिप्स, पहले दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। तो अगर दीर्घवृत्त है, कोई दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और इस पे, इस दीर्घवृत्त पे कोई सरल रेखा ये जा रही है जिसका नाम है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर ये रेखा इसको स्पर्श करते हुए जा रही है तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मगर अब क्या आएगा भैया, बी स्क्वायर, क्या आएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास एक अतिरिक्त कांस्टेंट आता है, तो इसे याद कर लो, इसको सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्रमांक तीन की तरफ, अति तीसरे नंबर पे है अति परवलय। अति परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। मित्रों मैं एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ आप लोग को, अगर आपको एलिप्स आता है, दीर्घवृत्त आता है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है फार्मूले में वहाँ वहाँ माइनस बी स्क्वायर डालते जाइए और आपका अति परवलय का फार्मूला बन जाएगा। तो अति परवलय, अभी परवलय का इसका क्या था, दीर्घवृत्त का सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये है कंडीशन अगर कोई अति परवलय को रेखा जो है यदि टच करेगी तो इस प्रकार का कंडीशन बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का कंडीशन बनेगा। अगर कोई रेखा जो है जिसका नाम y बराबर एम एक्स प्लस सी है वो टच करेगी तो इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। नोट कर लीजिए,
ठीक। अब आप पूछेंगे कि सर यदि परवलय स्पर्श करे तो परवलय के स्पर्श करने की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि परवलय का समीकरण तो हमने आपको यहाँ पे बताया नहीं। परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स को अगर लाइन टच करेगी तो क्या परिस्थिति बनेगी, ठीक है ना। तो परवलय के लिए जो कंडीशन बनती है शायद होती है कितना, परवलय को टच करने की जो कंडीशन बना करती है वो बनती है C इक्वल टू ए बाई एम, C इक्वल टू ए बाई एम। नोट कर लीजिए, चौथे नंबर पे परवलय का मेंशन कर देते हैं हम, चौथा नंबर है परवलय। अगर कोई सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स को टच करे, स्पर्श करे, तो जो कंडीशन बनेगा c बराबर a अपॉन m। तो गारंटी है इस बात की कि एक प्रश्न कम से कम और दो प्रश्न अधिक से अधिक आपको इस कंसेप्ट से 101% आएंगे। पिछले बार भी आया, इस बार भी आएगा गारंटी के साथ। आइए करते हैं कैसा क्वेश्चन आया भाई एग्ज़ाम में, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया यूपी टीजीटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा कि यदि यदि सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी, ये रेखा है और क्या दिया है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को स्पर्श करे, लो भैया को स्पर्श करे, तो बताइए सही कंडीशन क्या होगी। चार ऑप्शन थे, ऑप्शन में लिखने में समय ख़राब नहीं करूँगा। अगर रेखा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, परवल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को स्पर्श करे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास समीकरण क्या दिया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। और रेखा क्या दी गई है, रेखा दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर कितना, सी। तो यहाँ से वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लाने का प्रयास करिए, तो बी वाई बराबर कितना हो गया, माइनस ए एक्स प्लस सी, और वाई बराबर माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस कितना, सी अपॉन बी। तो ये देख गया y बराबर एम एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी वृत्त को स्पर्श करने की c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो भैया c स्क्वायर क्या है, अंतःखंड, यहाँ पर अंतःखंड कितना दिख रहा है, c बटे b, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू भैया 16 है, और 1 प्लस एम की वैल्यू कितनी दिख रही, माइनस ए बटे बी, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर 16 बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। आंसर नोट करिए, सी स्क्वायर बराबर आया 16 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है कंडीशन वृत्त को स्पर्श करने की, पक्का है इस क्वेश्चन इससे, ठीक है मित्रों। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइए सभी लोग। क्लियर क्लियर सर, धन्यवाद सर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं जो 100% एग्जाम में आता है और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये बीएससी वाला पार्ट है, परंतु बहुत सरल है। बीएससी वाले पार्ट की तैयारी टीजीटी के पेपर में लोग करते भी नहीं हैं, कहते हैं भैया 2 3 4 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन उसमें हम काहे को फालतू माथा ख़राब करें।
तो उतना करके नहीं जाते क्योंकि सिलेबस तो देखा जाए तो बहुत जटिल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। परंतु कुछ शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वही शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन आ रहा है। ये टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक है, टॉपिक का नाम है यहाँ पर असिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, ASYMPTOTES, असिम्प्टोट्स। हिंदी में बोलते हैं अंतःस्पर्शिया का समीकरण। देखो भैया, तो अब ये देखना कि अंतःस्पर्शिया किस अक्ष के समानांतर बोला है आपको। एक्स अक्ष के समानांतर बोला है या भैया वाई अक्ष के समानांतर बोला है, ये जरूर देख लेना। और करना क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर बोले या वाई अक्ष के समानांतर बोले, करना क्या है? अगर एक्स अक्ष के समानांतर बोले तो आपको करना ये है, एक्स की सर्वाधिक पावर का गुणांक, एक्स की सर्वाधिक पावर का गुणांक किससे कंपेयर कर दो, जीरो से। एक्स की सर्वाधिक पावर का गुणांक जीरो से कंपेयर कर दो। और वाई अक्ष के समानांतर बोले तो क्या करना है, वाई की सर्वाधिक पावर का गुणांक बराबर जीरो। ये जो समीकरण निकलेगा जीरो करने पर, यही आएगा आपका एसिम्प्टोट का समीकरण, अर्थात अंतःस्पर्शियों का समीकरण। आइए करते हैं क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन आया है TJT एग्जाम में कि वक्र y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy² माइनस 4x² माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में एक्स अक्ष के समानांतर नांतर अंतः स्पर्शी का समीकरण बताओ भैया। अंतः स्पर्शी का समीकरण एक्स अक्ष के समानांतर। लो भाई साहब, कैसे करेंगे? अपने पास जो कर्व दिया गया है इसमें एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, 2, यहाँ भी कितनी है, 2। तो एक्स की अधिकतम पावर छांट लो तो एक्स की पावर 2, और ब्रैकेट में इसका गुणांक क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 4, ये बन गया एक्स की अधिकतम पावर का गुणांक। तो ये जो है ये क्या है, गुणांक है। और हमने क्या बताया कि एक्स की अधिकतम पावर के गुणांक को जीरो से कंपेयर कर लो, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई बराबर अंडर रूट 4, यानी वाई बराबर प्लस माइनस 2। तो भैया समीकरण क्या बन गया, वाई बराबर प्लस 2 और वाई बराबर माइनस 2, ये बन गया अंतःस्पर्शी यानी असिम्प्टोट का समीकरण। नोट सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 4 जो बताया है पिछले। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स का अधिकतम पावर क्या है, 2 है कि नहीं है, बताइए बताइए, समीकरण में x का अधिकतम पावर कितना दिख रहा, 2 है कि नहीं है सर? जी सर। तो x का अधिकतम पावर का गुणांक क्या बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, इसी में है एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? जी जी जी, बस तो कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना जी। चलिए अगले प्रश्न की, ये क्लियर है अगला, पिछला सवाल क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ मित्रों, बताइए। जी सर आगे बढ़िए। चलिए सर, हाँ सर, चलिए अगला सवाल फिर से उठाते हैं, जो सवाल 2D में आया और अति परवलय का आया। क्या आया सवाल, कहा रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 अति परवलय
अति पर बल है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए को स्पर्श करेगी, स्पर्श करेगी यदि, चार ऑप्शन थे भैया कैसे स्पर्श करेगी, तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। क्या कंडीशन है, ये अति परवलय है और इस अति परवलय को एक रेखा टच करके जा रही है और इस रेखा का नाम है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो। तो अभी अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी क्या होती है अति परवलय की, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है। तो अपने पास रेखा क्या है भैया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो, ये दी है रेखा। तो सर्वप्रथम इस रेखा को हम सही एडजस्ट कर लें, तो भैया एम वाई बराबर कितना हो गया, सर प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़ सर, माइनस एन, तो वाई बराबर हो गया माइनस एल अपॉन एम एक्स और प्लस माइनस एन बाई क्या एम, ये दिखने लगी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, हमको ये एम है और ये सी है, ये एम का काम करेगा और ये सी का काम करेगा। आइए पुट करते हैं भैया, सी का स्क्वायर अर्थात माइनस एन अपॉन एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, एम का स्क्वायर मतलब एल अपॉन एम का माइनस का होल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। चलो भैया एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर बटे एम स्क्वायर और माइनस कितना बी स्क्वायर, ठीक है माइनस हो गया बी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लीजिए, तो एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आंसर आ गया। यही आंसर आया था कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, यही कंडीशन थी, नोट करिए। बोलिए आया समझ में मित्रों, क्लियर है मित्रों की नहीं ये है सर? हाँ ये सर 200% आएगा सर, मैं गारंटी ले रहा हूँ, वीडियो पड़ा है, जिस दिन आएगा आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि देखिए क्वेश्चन आया, बिल्कुल ये क्वेश्चन हर वर्ष आया है। आइए कई बार सर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार घूम के आता है सर ये क्वेश्चन। आइए सर एक इंटर के सिलेबस में भी वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सर। आइए सर अभी तो हो गई भाई स्पर्श रेखा की बात, थोड़ी बात हो जाए अभिलंब की, तो अभिलंब निकालते हैं। देखिए अभिलंब की कंडीशन, अभिलंब की कंडीशन है और कंडीशन हम पढ़ेंगे परवलय के लिए, परवलय की कंडीशन अभिलंब की याद कर लीजिए, ये बहुत भूलती है, अच्छों अच्छों को भूल जाती है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स पर रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी अभिलंब होगी, अभिलंब होगी यदि, भैया देखो अभिलंब के लिए क्या था प्रमाण, उसके लिए क्या था सूत्र स्पर्श होने के लिए, सी बराबर ए बाई एम, स्पर्श होने के लिए जो सूत्र था वो था सी इक्वल टू ए बाई एम, हाँ सर सी बराबर ए बाई एम। परंतु अब आप कॉपी में लिखिए कि रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स पर अभिलंब होगी यदि, कंडीशन लिखे सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस एम का क्यूब, नोट माइनस ए एम क्यूब, सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। स्क्रीन पे आपकी राइटिंग दिख रही है? हाँ सर एक सेकंड फिर से लिखता हूँ मैं, कुछ इशू आ गया। सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ठीक है सर नोट कर लीजिए सभी लोग, सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। अगर आप यहाँ से ए एम कॉमन ले लें तो माइनस टू, ओके माइनस टू और माइनस का एम का स्क्वायर है ना, ये भी ऐसे याद कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ से ए एम कॉमन ले लिया तो माइनस टू माइनस एम का स्क्वायर, जो आपको याद करने में अच्छा लगे आप बना लीजिए। आइए करते हैं इस पर एक प्रश्न,
सी बराबर माइनस टू एम माइनस सी एम क्यूब पर एक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन क्या आया भैया टी जी टी में? टी जी टी में प्रश्न आया कि रेखा एक्स प्लस वाई बराबर के, वाई स्क्वायर बराबर 12x पर अभिलंब है तो k का मान क्या होगा? अगर रेखा इतनी ये अभिलंब है तो k का मान क्या होगा? अगर आप इसको उस तरीके से जाएंगे, उससे टेंजेंट नॉर्मल जिसको बोलते हैं, अभिलंब एवं स्पर्श रेखा, उससे बहुत दिक्कत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा बनाइए, जो कंडीशन लगती सी बराबर माइनस क्या लगता है ए एम क्यूब माइनस टू ए एम, ये लगता है। परंतु इसके लिए आपको सी पता होना चाहिए और एम पता होना चाहिए। तो फिलहाल आपके पास जो रेखा है वो क्या है भैया, एक्स प्लस वाई बराबर के। तो वाई बराबर कितना हो गया, माइनस एक्स माइनस के। मतलब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी, माइनस वन, सी की वैल्यू कितनी, माइनस के, ओके। और आपके पास जो परवलय है, परवलय क्या दिया भैया, मैंने ज़रा देख लें, वाई स्क्वायर बराबर 12x, जी हाँ। तो वाई स्क्वायर बराबर है 12 का x, मतलब 4a बराबर 12, तो a बराबर कितना, 3। आओ भैया सब कुछ पुट कर दो समीकरण में, तो c का मान है इस समीकरण से माइनस के इक्वल टू माइनस ए यानी कि 3, एम का क्यूब माइनस वन का क्यूब और माइनस टू इंटू ए, ए का मतलब 3 और एम का मतलब माइनस का 1। तो माइनस के बराबर ये हो गया कितना, प्लस का 3 और माइनस माइनस कितना हो गया ये, 6 और 3 का 9, है ना। तो हाँ जी बताइए सर क्या हुआ सर, आवाज नहीं आई आपकी, इक्वल टू प्लस के, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही, सॉरी सर, यहाँ पर प्लस के आएगा, थैंक यू सर। तो भैया यहाँ पर जो अपने पास है 6 आएगा और 3 आएगा, तो के का मान बराबर 9, बिल्कुल सही कहे सर, प्लस के आएगा, नोट कर लीजिए मित्रों, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नो सर, नो सर, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, पहले उसका कंसेप्ट देख लें आप, प्रश्न की बात बाद में करेंगे। एक प्रश्न सिंपल सा है कि कई बार अंतःखंड पूछने को आ जाता है, वृत्त का अंतःखंड, तो हेडिंग डालिए वृत्त का अंतःखंड, वृत्त का अंतःखंड, वृत्त का अंतःखंड कितने होंगे, वृत्त के अंतःखंड देखिए। चलिए देखिए, तो ये आपके पास में कोई वृत्त है, इसको मान लीजिए ये एक्स अक्ष कट कर रहा है और ये वाई अक्ष भी इसको कट कर रहा है, तो याद रखिए ओ ए ये कहलाता है एक्स अक्ष का अंतःखंड, ओ बी कहलाता है वाई अक्ष का अंतःखंड, वृत्त का अंतःखंड एक्स अक्ष पर। तो पहले लिखिए एक्स अक्ष पर वृत्त का अंतःखंड होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और दूसरा वाई अक्ष पर जो अंतःखंड होता है लिखिए 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष का अंतःखंड एवं वाई अक्ष का अंतःखंड। अब इस पे मुझे ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे सिंपल क्वेश्चन आया था, सिंपल एकदम क्वेश्चन आया था कि भैया आपका जो अंतःखंड है कोई किसी वृत्त में, वृत्त के समीकरण में, तो अंतःखंड कितना होगा, तो सबने इक्वेशन बनती होगी आप लोगों से वृत्त की, उससे जी निकाल लीजिएगा, सी निकाल लीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल का कंसेप्ट, हाँ एक क्वेश्चन है,
सर एक एक जब हाँ बताइए सर, जब भी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हाँ तो हमेशा जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास होगा। अगर देखिए, अगर वृत्त दोनों अक्षों में अंतःखंड काट रहा है ना, अगर वृत्त दोनों अक्षों में अंतःखंड काट रहा है तो आप बना करके देख लीजिए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं लग रहा सर मुझे। ये देखिए हाँ, अब ये वृत्त जाएगा तो ओरिजिन से पास हो कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे, परंतु ओरिजिन से पास होए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए सर? और सुनिए सर, अगर ओरिजिन से पास होएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन से पास होने के लिए सी बराबर हमेशा जीरो होता है। वृत्त के समीकरण में अगर वृत्त यदि ओरिजिन से पास होता तो उसका सी कितना होता है? जीरो। तो फिलहाल देखा जाए तो मैंने जो कंसेप्ट बताया है ये खुद विदाउट ओरिजिन वाले के लिए है, क्यों है ना सर? हाँ, तो मेरे डायग्राम को यहाँ पर मत जाइए, विदाउट ओरिजिन वाला है। चलिए अगला कंसेप्ट लिखिए सर, अगला शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक है सर, अगर आपके पास ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी बराबर जीरो जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, ए बी सी, बी सी ए और सी बी ए बराबर जीरो जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको हल करने पर क्या आता है? इसको हल करने पर आता है माइनस अंदर ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC बराबर जीरो। तो ये कब होता है भैया? माइनस जीरो के इस तरफ आ जाएगा, मतलब कुल मिला के क्या बचेगा? ये बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC बराबर जीरो, मतलब ये स्ट्रक्चर बचेगा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। और ऐसा तभी होता है, ये केवल तभी होता है जब ए क्यूब और बी क्यूब, ये तभी होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो? जीरो हो। नौवीं क्लास का कंसेप्ट लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो? जीरो हो। जीरो ठीक है ना? हाँ। अब आइए, जी जैसे इस पर क्या आया क्वेश्चन, क्या आया इस पर क्वेश्चन, कैसा आया इस पर क्वेश्चन? आया कि यदि रेखाएं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन दिया एल एक्स प्लस एम बाई एक, अपने पास जो रेखा है एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन बराबर जीरो, ओके, एम एक्स प्लस एल वाई, एम ए बी सी बी, हाँ, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम बराबर जीरो और लास्ट में ये कितना हो जाएगा? सी ए बी, एन एक्स प्लस एल वाई प्लस एन एक्स, एन के बाद एल और यहाँ अकेला एम बैठा रहेगा, है ना? ए बी सी, एल एम एन एल, यहाँ एल बराबर जीरो है, बराबर जीरो है। हाँ, अब लिख लीजिए अच्छे से, थोड़ा मैंने इसको क्लियर कर दिया। एम के बाद जो आएगा एन वाई प्लस एल। हाँ, कह रहा यदि संपाती हैं, संपाती हैं तो बताइए कंडीशन क्या बनेगी। ऑप्शन ए था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन बराबर जीरो, ऑप्शन बी था एल प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो, ऑप्शन सी भी कुछ उठपटांग था, ऑप्शन डी भी कुछ था। अब ध्यान से देखिए, संपाती कनकरेंट होने की शर्त क्या होती? बी होगा कनकरेंट क्या? होने की शर्त होती है कि एल एम एन तीनों के, एम एन एल और एन एल एम बराबर जीरो। तो भैया वही ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी बराबर जीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3ABC, मतलब माइनस 3LMN स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा बराबर। आपको? अरे सर बिल्कुल दिख रहा है, एक बार आप लेफ्ट होके ज्वाइन कर दीजिए, दिखने लगेगा। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा? एल प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो। बोलिए सर, क्लियर है एकदम? सर क्लियर है? जी सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है।
चलिए सर एक और क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो पिछले वर्ष की परीक्षा में आया 2021 में, वो क्या था भैया? क्वेश्चन पूछा गया ध्रुवीय समीकरण आर बराबर ए सेक थीटा निरूपित करेगा। ऑप्शन क्या था? सरल रेखा को निरूपित करेगा, अति परवलय को निरूपित करेगा, वृत्त को निरूपित करेगा, यदि रेखा युग्म को निरूपित करेगा। सर बंद कर लीजिए साउंड। रेखा युग्म ने चार ऑप्शन थे भैया, ठीक है आइए देखते हैं। तो भैया ये पोलर ध्रुवी कोऑर्डिनेट का आर और थीटा जो होते हैं वो ध्रुवी कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आइए क्या चलता भैया इनका, ध्रुवी कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक रेखा होती है और ये कोण होता है थीटा और ये बनता है आर कॉमा थीटा। इसका परपेंडिकुलर डाल दो तो ये बनता है एक्स बराबर आर कॉस थीटा और ये बनता है वाई बराबर आर साइन थीटा। बिल्कुल सही। तो भैया अभी हमारे पास दिया है आर बराबर ए सेक थीटा। अब ये क्वेश्चन को बहुत बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विषय पारंगत लोग छोड़ के आए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे बहुत मेहनत करी, कई लोगों ने समझ लिया कि ये क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर का है जिसमें कैटेनरी का समझ में आ रहा था। कैटेनरी, हाँ कैटेनरी तो सर पीजीटी, आपके टीजीटी में तो आया ना, कैटेनरी पीजीटी में आया था ना सर? जी सर हाँ आप पीजीटी की बात कर रहे हैं, कैटर्नी का इक्वेशन। हाँ ये कैटर्नी लगा लिया लोगों ने, ये कैटर्नी समझ लिया इसको, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर सर ये कैटर्नी का इक्वेशन नहीं था, ये बहुत ही सरल सवाल था। तो आर बराबर ए अपॉन, इसको मैं क्या कॉस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो गया भैया ए बराबर आर कॉस थीटा और आर कॉस थीटा क्या होता है? एक्स। तो भैया ये बन गया एक्स बराबर ए और x बराबर a का मतलब y अक्ष के समानांतर सरल रेखा। सरल का आंसर जो बिंदु पथ था वो था सरल रेखा। बेहद सरल सवाल, उत्तर भी सरल रेखा। हाँ सर ये सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों मिस्टेक हुए। हाँ बहुत लोगों ने गलत किया सर, ये y अक्ष के समानांतर सरल रेखा थी और इसको बहुत लोगों ने गलत किया। चलिए सर तो बढ़िया है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी आज की, ठीक है सर? तो जी हाँ सर बोलिए। एकदम लिमिटेड क्वेश्चन पोस्ट करेंगे सर, उसको बता दीजिएगा कल वाले क्लास में। सर आप लोगों से बोल चुका हूँ मैं, कभी भी क्वेश्चन पोस्ट करना हो बिल्कुल पोस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में क्वेश्चन भेजिए है ना, और चाहेंगे वो क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस होगा। जी ठीक है। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एक क्वेश्चन क्लियर करना है। क्या क्लियर सर? सर थोड़ा साउंड आपका कंफर्म नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से बोलिए सर, क्या क्लियर करना है? एक सेकंड सर। हाँ अब आ रहा है। ये कह रहे हैं हाँ, इसमें हमने जब फाइंड किया था तो आ गया था एक्स कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा इक्वल टू ए। हाँ तो सर मैंने इसको अभी सॉल्व किया, मैंने इससे पहले नहीं इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मैंने यहाँ से cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू निकाल करके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किया तो आंसर 1 आ गया। तो क्या ये डिनोट करेगा कि ये सरल रेखा है? नहीं वो डिनोट नहीं करेगा। 1 आ गया अगर कोई, वो तो आइडेंटिटी है ना सर, वो आइडेंटिटी है, वो तो आएगा ही 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, उससे डिनोट नहीं करेगा। कोई वेरिएबल के बराबर वन आया, कोई मतलब जैसे x के बराबर वन आया कि y के बराबर है वन आया, क्या आया आपका? ये आ गया है r is equal to r square equal to 1 हो गया सर। r square यानी सर ये सर्कल बना दिए, ये सर्कल बना दिए सर, नहीं सर दोनों तरफ 1-1 हो गया सर। सर अरे सुनिए सर, आप क्या आप जो कर रहे हैं ना उसमें पक्का कोई मिस्टेक होगी। देखिए सर आपने निकाला होगा सर कितना, आपने देखो सर आपके पास क्वेश्चन में आपके पास केवल क्या है cos थीटा इक्वल टू a बाई r, बोलो हाँ या ना? जी सर। आपके पास r
आपके पास जो यहाँ से यदि सॉल्व करोगे जो आप कह रहे हो उससे आपके पास कॉस थीटा बराबर आएगा ए बाई आर। अब बताओ आपने क्या किया इसके आगे, अब हमने साइन थीटा निकाल लिया यहाँ से तो भैया साइन थीटा यहाँ से आएगा। हाँ तो वो तो वन होएगा अंडर ही ना रूट। सर, वो तो वन होएगा ही। अब आप यदि साइन थीटा निकालोगे तो भैया यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो आर रहेगा और ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ करके आपने वन ला दिया होगा, हाँ या ना? जी। तो आप दोनों को जोड़ करके वन ला रहे हो तो वो तो वैसे ही वन होगा। तो आपको जाना फायदा क्या कहाँ, हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ सर। आप मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ही नहीं हो, आप कहीं और चले गए देखा जाए तो। अच्छा, हाँ ठीक है ना, ये इस तो यहाँ तरफ पर गई थी आइडेंटिटी सर। को प्रूव कर दिया। अच्छा हाँ आपने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी सर, जिसकी ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। ये मालूम ये कब काम करता? ओके सर। ये तब काम करता सर जब थीटा को आपको गायब करना होता, हाँ। हाँ तब ये काम करता, और दो वेरिएबल होते तब काम करता, ये सिंगल में काम नहीं करेगा। यहाँ पर सरासर इसका ऐसा ओके ही सर, होगा। ओके सर, ओके। अच्छा चलिए सर, सर, जैसे मान लीजिए आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ और इज इक्वल टू ए सेक थीटा होता, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करते तो फिर तो दूसरा इक्वेशन निकल आता। अरे सर, तो आर की आर में काहे को ला रहे हो, कार्तीय में लाओ ना, हम लोग कार्तीय समझेंगे ना। अच्छा, सारा चीज मतलब कार्टेशियन प्लेन में लाए ना, मतलब 2D प्लेन में। पूरा तो हम लोग कार्तीय का पढ़ाई करे हैं ना, आर थीटा के अलावा हम लोग कुछ जानते ही क्या है बताइए, हाँ या ना। हाँ, थीटा एक्स वाई, ठीक है भाई। ये हाँ पोलर फॉर्म या फिर कार्टेशियन कार्टेशियन बिल्कुल सही, फॉर्म? ठीक हम लोग तो केवल एक्स वाई को जानते हैं यार, एक आर आर को तो जानते नहीं ज़्यादा कुछ, है ना। ठीक इसलिए चलिए सर, तो फिर आपकी आज की क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। जो लोग अंत ओके तक सर, जुड़े थैंक चाहें उनका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, यू सर, थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट। यू, गुड नाइट। पांच लोग बचे, 11 लोग थे। तुम कम पढ़ाओ ना, तभी बेबी बड़े हैं, उनको पहले तो मैं थोड़ी ना पढ़ा देती मेरा इंटरेस्ट ये रहता कि मैं कम से कम जितना पढ़ा उतना मेरी वाइफ कर ले, हूँ। थोड़ा कर लिया तुमने, फिर भी बच गया है, 4 पन्ना बच गए। पढ़ाई खुद के पढ़ना जल्दी पढ़ लेना, काम में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगर रिवाइज अच्छे से हो जाता ये है, अगर खुद रिवाइज करना हो तो कल बोर का लगेगा। निकला नहीं है मटेरियल, हाँ कल की लाने, कल की लाने मटेरियल है। जा गाड़ी लेके आओ, हम गेट लगा रहे अंदर से, तुम उधर से आ जाओ। इतने से लगा के जाऊँ, उतने से आ जाए जी, कौन नहीं, मैं तो ऐसे लगाएंगे बस, कूलर डिस्काउंट। जाओ गाड़ी का क्या, एक बार यूनिट पे नजर डाले हमने।